आइए मेहुल जी के पास चलते हैं, उनकी तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल है तैयार, बीटीएस डबल टी। बताएं सर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैट है कोचिंग शिपयार्ड, 2860 चल रहा है, यहाँ पर खरीदना है। 2760 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 3060 का रहेगा। पिछले 3 दिन के करेक्टिव मूव के बाद आज हम फिर से देख रहे हैं, अभी आधे घंटे से बहुत ही बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है शिपिंग स्टॉक एज वेल एज डिफेंस स्टॉक्स में। तो कोचिंग शिपयार्ड में भी फिर से एक मोमेंटम देखने मिला, पिछले 3 दिन से पिछले दिन का हाई नहीं निकाल रहा था, आज पिछले दिन का हाई निकाल दिया है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है नया हाई बनाना चाहिए इस काउंटर को, 3060 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा 2760 का रहेगा। ओके तो यह है आपके लिए कोचिन शिपयार्ड, जहां पर रखिए नजर। आज सुबह गार्डन शिपयार्ड आई थिंक, हाँ आशीष चतुर्मोता साहब ने रेकमेंड किया था, और मसगांव डॉक तो अच्छे एक्शन में। ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी थी शिपिंग स्टॉक्स को लेकर, और वहां पर आपने जबरदस्त मोमेंटम भी देखा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जरा एक बार पुलअप करिए, 20% का सर्किट भी आपने इस काउंटर में लगते हुए देखा है, तो वहां पर भी एक्शन आ रहा है और सर्किट पर ही अभी भी ये स्टॉक। जी शिपिंग में भी मूव है, हालांकि जी शिपिंग में उससे कंपनी से रिलेटेड भी कुछ खबरें आई हैं, बट पूरा शिपिंग सेक्टर ही बजट से पहले तैयार है एक्शन के लिए। आइए जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक बार शिपिंग सेक्टर पर जैन साहब से भी राय लेना चाहूंगा। सर सारे स्टॉक्स रोज एक्शन में आते हैं, आज भी देखिए सारे शिपयार्ड स्टॉक्स भाग रहे हैं, शिपिंग स्टॉक में अच्छी मूव है। हमारी भी एक्सक्लूसिव थी कि कैसे बजट में कुछ शिपिंग स्कीम्स को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कहीं पैसे लगाने की वैल्यू है इस समय जहां तक शिपिंग स्टॉक्स की रैली का सवाल है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला कि आज सुबह जो न्यूज थी और उसको सुनने के बाद मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस और आया, और मैं देख रहा था, और आज जी शिपिंग इनफैक्ट 10 की कमाई में मैंने तैयारी कर रखी थी, और जब तक बोलने गए तो उस तक ऑलरेडी तेज हो चुका था, क्योंकि अपने न्यूज के बाद और मैरीटाइम रिलेटेड और वो जो शिपिंग इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ इंसेंटिवाइजेशन और इस बजट में कुछ आ सकता है, दैट्स अ बिग न्यूज, एंड काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे जी शिपिंग था। तो बट मेरा स्लॉट आने तक चल चुका था तो मैंने दिया नहीं, बट येट मुझे ऐसा लगता है कि जिन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक है, भले ही वो पी मल्टीपल हो, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल हो, ये सब पे सस्ता लगता है और काफी नीचे के लेवल से ऑलरेडी चल चुका, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट येट वैल्यूएशंस आर चीप एंड कोई भी चीज ये अच्छी आती है। और ये कंपनी देखिए ऑयल ड्रिलिंग, जब भी ऑयल एंड गैस चलता तो जी शिपिंग का भी बढ़िया चलता, क्योंकि ये ड्रिलिंग में भी काफी बढ़िया, शिपिंग का नाम है साथ साथ ड्रिलिंग में भी है। तो मुझे लगता है सारे स्टॉक्स जो कोचिन शिपयार्ड 10x हो चुका जहां से हमने रेकमेंड किया है, और बाकी स्टॉक्स सारे बढ़िया कर ही रहे हैं, सो आई फील कि होल्ड करना चाहिए बाकी स्टॉक्स को, और जी शिपिंग में थोड़ा सा गिरावट पे अगर मिले मौका, क्योंकि आज चलिए मार्केट्स बढ़िया चल रहे हैं, कल हमने देखा है करेक्शन आया, हो सकता आगे भी कोई करेक्शन आए, क्योंकि जो अभी जो न्यूज आई थी रिसेंटली, जो अभी आज सुबह भी काफी डिटेल्स में डिस्कस हुआ मार्जिन्स को लेकर, और जो इम्पैक्ट कॉस्ट के बाद जो हम जो लिस्ट बन रही है 1 अगस्त से जो हेयर कट बढ़ने वाला है, फिर 1 नवंबर से डिफरेंस आने वाला, तो ये सारी चीजों से कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता, बट दैट विल बी वेरी टेम्पररी, क्योंकि बाद में वापस से सारी चीजें एडजस्ट होगी, क्योंकि फाइनली तो क्वालिटी को चेज करता है इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट्स में कैश मार्केट्स में खूब बढ़े आ रहे हैं, दैट्स फॉर द ट्रेडर्स जो कि कैश मार्केट में स्टॉक्स लेके प्लेज करके वहां पे एफएनओ में भी काम करते हैं, भले वो ऑप्शंस में हो या एल्गो में हो या अपनी ट्रेडिंग में हो। सो ओवरऑल आई फील दैट्स अ ग्रेट न्यूज शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, और करेक्शन का वेट करें, कोई भी करेक्शन आए तो आज जी शिपिंग को इमीडिएटली आप खरीद सकते हैं, बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में नीचे आने पे खरीदारी। ओके तो ये है आपके लिए कुछ शिपिंग स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है।